तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है अग्निवीर भर्ती को लेकर, वो भी झारखंड से। अग्निवीर भर्ती के लिए रैली आज से, 23,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। देखें जिलावार डेट लिस्ट, चलिए देख लेते हैं उसको लेकर पूरी डिटेल की यहाँ पर क्या खबर सामने निकल कर आ रही है। राज्य में दूसरी अग्निवीर रैली का आयोजन 1 जुलाई से 9 जुलाई तक रांची के मोराबादी मैदान में किया जाएगा। इसमें 24 जिले के करीब यहां पर 13,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार झारखंड रिक्रूटमेंट ड्यूटी डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट ब्रिगेडियर मुकेश गुंगरिंग उन्होंने यहां पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता में ये बात बोली है कि यहां पर लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी अग्निवीर बहाली में शामिल होने पहुंचेंगे। 21 वर्ष या फिर उससे कम उम्र के अभ्यर्थियों का चयन यहां पर किया जाएगा। शारीरिक परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट मोराबादी मैदान में ही होगा। इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस यहां पर रांची की टीम ने पूरे पुख्ता इंतजाम भी इसको लेकर किए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर के तहत अग्निवीर जीडी यहां पर अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर यहां पर अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेडर्समैन पद पर भर्ती होगी। सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर रैली में पहुंचे। अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि वे दलालों से सावधान रहे। सेना में भर्ती के लिए किसी के द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन में यहां पर बिल्कुल भी नहीं आना है। दौड़ में होना होगा असफल। यहां पर अग्निवीर की इस बहाली प्रक्रिया में लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा में भी यहां पर पास होना जरूरी है। शारीरिक परीक्षा में पास होने के लिए अभ्यर्थी को तय समय सीमा में यहां पर 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। इसके बाद शारीरिक मापदंड के मानकों को भी पूरा करना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए यहां पर प्रमाण पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद यहां पर मेडिकल भी होगा। उसके बाद अंतिम परिणाम मूल्यांकन के बाद जारी किया जाएगा। सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। रांची यहां पर जिला के प्रशासन की ओर से निर्बाध यहां पर बिजली सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके क्योंकि देर रात से ही यहां पर तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है, वहीं हर वक्त मेडिकल टीम फर्स्ट एड और एम्बुलेंस की सुविधा सुनिश्चित रहेगी। इसके अलावा आने वाले अभ्यर्थियों के लिए पानी के पीने का पानी, शौचालय की भी यहां पर व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो। किस जिले के लिए कब है रैली? 1 जुलाई को यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर दुमका, चाईबसा, गढ़वा, जामताड़ा और लोहरदगा में है। इसके अलावा 2 जुलाई को यहां पर बोकारो, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम और कोडरमा में है। 3 जुलाई को यहां पर गिरिडीह, खूंटी, सरायकेला खरसवां और सिमडेगा में होगा। और 4 जुलाई को यहां पर गुमला और पलामू में। 5 जुलाई को यहां पर चतरा, देवघर और धनबाद में। 6 जुलाई को यहां पर हजारीबाग, रामगढ़, साहिबगंज, पाकुड़ और लातेहार में। 7 जुलाई को यहां पर रांची में होगा। इसके अलावा 8 जुलाई को यहां पर क्लर्क और स्टोर कीपर, और यहां पर 9 जुलाई को सभी जिलों के लिए यहां पर ट्रेड्समैन की बहाली के लिए यहां पर बाकी सारी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर सारी डिटेल्स निकल कर सामने आई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो